तीन काम सब करते हैं, पहला खाना, दूसरा सोना, तीसरा बच्चे पैदा करना। ये काम कुत्ते बिल्ली भी करते हैं कि नहीं? कुत्ता भी सोता है कि नहीं, बिल्ली सोती है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली सोते हैं तो आप भी सोते हैं, कुत्ता बिल्ली खाते हैं तो आप भी खाते हैं, पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं और चिड़िया भी घोंसला बनाकर आराम फरमाना जानती है कि नहीं? आप भी आराम करते हैं, चिड़िया अपने घोंसले में आराम करती है। खाना आप जानते हैं तो चिड़िया जानती है, सोना आप जानते हैं तो चिड़िया जानती है, बच्चे पैदा करना आप जानते हैं तो पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं। अब मुझे बताइए कि उनमें और आप में क्या अंतर है? आप खाते हैं वो खाते हैं, आप सोते हैं वो सोते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, बताइए क्या अंतर है कुत्ते में और इंसान में, गधे में और इंसान में, सुअर में और इंसान में, क्या अंतर है? तीन काम कॉमन सब करते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? करते हैं तीनों काम? एक ही काम है जो केवल आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, क्या? बोले आप भगवान की कथा सुन सकते हैं, आप सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं, आप दया का धर्म अपना सकते हैं, आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, आप आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, आप जो कर सकते हैं आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ कार्य, वो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी नहीं कर सकते। और मनुष्य का तन पाकर भी परमात्मा के लिए दो वक्त मिनट का टाइम ना निकाला तो कुत्ते में और इंसान में कोई अंतर नहीं है, गधे में और इंसान में कोई अंतर नहीं है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, कहां जाना था और कहां जा रहा है। इसलिए कहता हूं अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, कर लो कुछ अच्छे काम और भगवान में लगा लो अपने मन को।